सरगुजा जिले में खाद की कमी को लेकर मीडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने संज्ञान लेते हुए खाद्य आपूर्ति को लेकर अंबिकापुर के सर्किट हाउस पर आपातकाल बैठक बुलाई, जहां सहकारी समिति और खाद विभाग के अधिकारियों को स्टॉक चेक करने सहित कितनी खाद की आपूर्ति हुई है इसकी रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया था। बीते दिनों खाद मंत्री अमरजीत भगत के विधानसभा क्षेत्र के बतौली में किसानों ने सहकारी समिति और थाने का घेराव कर खाद नहीं दिए जाने का विरोध करते हुए भी नजर आए थे। इधर मंत्री ने कहा कि ट्रेनों की आवाजाही बंद होने से खाद की कमी देखने को मिल रही है, साथ ही ट्रेन और खाद भारत सरकार के हाथ में नहीं होती है, हम तो मांग पत्र के अनुसार रुपया जमा करते हैं, उसके बाद केंद्र सरकार खाद देती है, लेकिन इस बार भी खाद के लिए मांग पत्र भेजा गया है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार खाद कम दे रही है, जिसकी वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन किसानों को आने वाले समय में खाद को लेकर किसी तरीके से परेशान ना हो और इसके लिए जिला प्रशासन को व्यापक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही किसानों को जैविक खाद उपयोग करने की बात कही है। खाद पूरी तरह से भारत सरकार के अधीन है, राज्य सरकार मांग करती है और केंद्र से उसकी आपूर्ति की जाती है, मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो पा रही है, इसमें लगभग 32-33% का गैप आ रहा है, जिस वजह से किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मांग के अनुरूप सप्लाई किया जा सके और रेक जल्दी से जल्दी लगे और लोगों को उपलब्ध हो सके, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। देखिए, खाद भी केंद्र के अधीन है, ट्रेन भी केंद्र के अधीन है, अब रेक लगाना भी उन्हीं के उसमें अधिकार क्षेत्र में है। हम राज्य सरकार मांग करती है और मांग के अनुरूप जितना उनको पैसा जमा करना रहता है पैसा जमा किया जाता है, तो उस दिशा में लगातार हम काम कर रहे हैं और केंद्र आवंटन पहले से कम कर दिया, जिस वजह से लगभग 32-33% का अंतर आ रहा है, जिससे किसानों को दिक्कत हो रही है। अब उसके लिए बातचीत तो है, लेकिन अगर आवंटन ही नहीं मिलेगा, वहाँ से सप्लाई ही नहीं मिलेगा, तो इसका कोई रास्ता नहीं है। तो हमारा कोशिश है कि स्टेट में जो वर्मी कंपोस्ट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपयोग करें, उससे लोगों को एक रास्ता है, एक सहूलियत है कि वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करके अपना काम चलाए। क्या लगता है आने वाले समय फिर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है खाद को लेकर? देखिए, पूरी तरह से व्यवस्था सेंट्रल के अधीन है, मिलेगा आवंटन, आप मांग कर सकते हैं, अगर आपूर्ति होगा तभी आप यहाँ वितरण कर सकते हैं, बाकी और कोई रास्ता इसका दिखता नहीं, केंद्र सरकार ही है वजह।